Good morning, my dear students. Today we will learn profit or loss. आज हम लोग profit और loss सीखेंगे. Profit का अर्थ होता है लाभ और loss का अर्थ होता है हानि. आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे. तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि हम प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंट को कैसे निकालते हैं. तो आज हम लॉस और लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे. तो देखिए यहाँ सीपी और एसपी. सीपी का अर्थ आपको बताया गया था कॉस्ट प्राइस. एसपी का अर्थ बताया गया था सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीपी को क्रय मूल्य और एसपी को विक्रय मूल्य. क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य. जब बेटा क्रय मूल्य अर्थात सीपी विक्रय मूल्य से अधिक होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो लॉस होता है. क्या होता है? लॉस, हानि होती है. और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होता है तो प्रॉफिट होता है. यहां देखिए सीपी अर्थात क्रय मूल्य 830, एसपी 750. तो सीपी प्राइस इज मोर देन एसपी प्राइस. सीपी प्राइस इज मोर देन एसपी प्राइस. सीपी प्राइस अधिक है किससे? एसपी से. तो अभी आपको बताया गया जब सीपी अधिक होगा एसपी छोटा होगा तो लॉस होगा. लॉस इक्वल टू होता क्या है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी. सीपी माइनस एसपी. तो सीपी 830 माइनस 750 इक्वल टू, जब हम 830 से 750 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? व्हाट विल कम? यस 80. क्या आएगा? 80 रुपीज आपको क्या मिला? लॉस. 80 रुपीज लॉस हुआ. अब इसी को हमें परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है. तो देखिए लॉस परसेंट इक्वल टू, उस दिन बताया गया था लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है? लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी. लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी. लॉस हमको कितना मिला? 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी. सीपी आपका 830 है. 830 तो 0 0 से कैंसिल हुआ बेटा. 800 अपॉन 83 इक्वल टू, अब देखिए यह बेटा फ्रैक्शन में आपको बताया गया था जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है. तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो 800 डिवाइड बाय 83 नाइन जा 747. तो 800 से हम 747 को सेपरेट करते हैं. 53 इज स्मॉलर देन 83. तो बेटा 9 होल 53 अपॉन 83 परसेंट
ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से उस दिन बताया गया था कि जब सीपी इक्वल टू 10, एसपी इक्वल टू 12, फाइन पॉइंट ऑन प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो फॉर्मूला आपको बताया गया था व्हेन, जब सीपी इज स्मॉलर देन एसपी, जब सीपी छोटा होता है किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस से, जब कॉस्ट प्राइस छोटा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो देखिए प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू, अब आपका एसपी कितना है 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। देखिए 2 रुपए का क्या मिला आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ 2 रुपीज का। तो बेटा इसी को हम परसेंट प्रॉफिट में निकालते हैं, क्या करते हैं 2% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। अब देखिए प्रॉफिट आपका हुआ 2 रुपीज का, 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी आपका कितना है 10, 0 से कैंसिल हुआ तो बेटा 10 टू जा 20% का आपको प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। इस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी निकालते हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब सीपी अधिक होगा एसपी छोटा होगा, जब सीपी अधिक होगा एसपी छोटा होगा तो आपको लॉस होगा, और जब एसपी अधिक होगा सीपी छोटा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, लॉस परसेंट हम निकालते हैं लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। दोनों स्थितियों में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों स्थितियों में अपॉन सीपी ही होता है। बस आज के लिए थैंक यू।